नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब पे। आई सिद्धांत मिश्रा वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल हिस्ट्री हब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन गुप्ता पीरियड एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स लाइक पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स और यूपीपीसीएस। लेक्चर जो है ये बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में हो रहा है या हिंदी में हो रहा है, क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने डाले हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पीजीटी 2019 में पूछा था दिल्ली में, विच ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखता था, ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, समाहर्ता या शौलिक। अब ये जो शौलिक दिया है, कई जगह शौलकिक भी बोला गया इस अधिकारी को, इस अधिकारी का नाम कई जगह शौलकिक मिलता है, शौलिक मिलता है। ये शुल्क वसूलता था, शुल्क वसूलने वाला अधिकारी था गुप्त काल में। और समाहर्ता, जहां तक समाहर्ता की बात है, ये मौर्य पीरियड का एक ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, यानी कि राजस्व वसूलने वाला एक अधिकारी है, राजस्व विभाग का अधिकारी आप कह सकते हैं समाहर्ता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और गुप्त पीरियड में जो आपका भूमिका है उससे रिलेटेड आपके दो अधिकारी मिलते हैं, ध्रुवाधिकरण है और कर्णिक है। जो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था थी उसमें भूमिकर का संग्रह जो करता था उसको ध्रुवाधिकरण कहते थे, यानी कि ये भी आपका संग्रह संग्रह करता है रेवेन्यू का। बट जो लेखा जोखा होता था, जो लिखित कार्य होता था, उसको करता था कर्णिक। तो कर्णिक जो है वो दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी 2018 में पूछा था, गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, विच वॉज द मेन सेंटर फॉर सी ट्रेड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अब आपको जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, जब हमने मौर्य काल के ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बट ऑप्शन थोड़े से अलग थे। हालांकि जो ताम्रलिप्ति है ये उसमें भी ऑप्शन था और इसमें भी है, और ये ईस्टर्न फ्रंट पे पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन से जो सी पोर्ट हैं वो वेस्ट इंडिया में पड़ते हैं, कौन से पश्चिमी भाग में है, कौन से उत्तरी पूर्वी भाग में है। तो जैसे भृग कच्छ है, भृग कच्छ जिसका एक नाम हमको मिलता है भड़ौच, ये जो भृग कच्छ या जो भड़ौच है ये आपका पड़ता है पश्चिमी भाग में, गुजरात में पड़ता है ये भड़ौच गुजरात। इसके अलावा जो आपका कावेरी पटना में या ताम्रलिप्ति है ये दोनों ईस्टर्न पार्ट में है, लेकिन इसका जो आंसर है ये ताम्रलिप्ति है। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति नाम, और इनफैक्ट नॉट ओनली इन गुप्ता पीरियड बट मौर्य पीरियड में भी ताम्रलिप्ति से ही ईस्टर्न जो ट्रेड होता था, सी ट्रेड, वो बहुत ज्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिल्ली पीजी 2019 में पूछा था, विच इज रॉन्ग अबाउट फॉरेन ट्रेड इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार के विषय में क्या गलत है, श्रेणियों ने अपने महत्व को खो दिया, सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव देखने को मिलता है, देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों को जाने में गतिहीनता देखने को मिलती है हमको, या कई दस्तकारियां पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी हैं। क्या श्रेणी लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, लेसर यूजेज ऑफ कॉइन्स, इमोबिलिटी इन मूवमेंट ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू अनदर, मैनी हैंडीक्राफ्ट्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में अगर आपने पढ़ा हो कि जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इसमें कमी आ जाती है, और जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है श्रेणी की जो महत्वता थी वो कम हो जाएगी, और हमको सिक्कों की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सेल्फ सफिशिएंट विलेज, ऐसे गांव की उत्पत्ति होती है जो आत्मनिर्भर है, यानी कि गांव के अंदर ही उनकी सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाया करती हैं, और उनको बाहर जाके अपना ट्रेड और ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो सामान्य उपयोग में सिक्कों की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि हमको सिक्कों की जरूरत नहीं है, गांव के अंदर तो बार्टर सिस्टम भी चल सकता है, गांव के अंदर जो उनकी कौड़ियां हैं वो भी चल सकती हैं, तो उनको सिक्कों की जरूरत नहीं है। श्रेणियों का महत्व कम हो ही जाएगा, क्योंकि श्रेणी जो है वो जो ट्रेड था उसको रेगुलेट करती थी। देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों को जाने में भी गतिहीनता देखने को मिलती है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, जो गांव है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। फ्यूडलिज्म का हमको यहाँ पे इमर्जेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो दस्तकारियां हैं वो पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि दस्तकारियां विनष्ट नहीं हुई थी। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल दे तो ह्वेनसांग बताता है, ह्वेनसांग जब आता है भारत, और ह्वेनसांग का जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड ही है, हर्षवर्धन के समय में भारत आता है,
शताब्दी में भारत आता है और ये उल्लेख करता है कई प्रकार के रेशमी और सूती वस्त्रों के उत्पादन का। तो हैंडीक्राफ्ट कहीं से भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ था और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2018 में पूछा था, व्हाट वाज विष्टि ड्यूरिंग गुप्तास, गुप्त काल में विष्टि क्या था, भूमि अनुदान, बेगार श्रम, कृषि मजदूर या दस्तकार। तो ये था बेगार श्रम, और ना केवल गुप्त काल में बल्कि अगर ये विष्टि शब्द आपको आता है तो विष्टि शब्द हमने मौर्य पीरियड में भी देखा था, मौर्यन पीरियड में भी देखा था विष्टि। और इसको अगर मैं बोलूं तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप इस शब्द को देखते हैं विष्टि, तो इसका मतलब ही है बेगार श्रम। फिर से एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2018, हिरण कर क्या था, हिरण कर क्या था, तो हिरण टैक्स क्या था, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, लैंड टैक्स या फिर रिलीजियस टैक्स, किस तरह का टैक्स था जिसको हम हिरण कर बोलते थे। अब क्योंकि गुप्ता पीरियड की बात हो रही तो रिलीजियस टैक्स तो वैसे भी नहीं हो सकता, और सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कृषि टैक्स बचता है। हालांकि जो हिरण था ये आपका लैंड टैक्स था, कृषि कर था, और इसको जनरली कैश में लिया जाता था। और इससे पहले मैंने बात की थी प्रणय की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्रणय कर था, ये प्रणय जो टैक्स था वो किस तरह का टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनबीएस पीजीटी 2019 में पूछा था, विच गुप्ता किंग इज ऑल्सो नोन एज देवगुप्त, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो ये कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के साथ साथ देवराज भी कहा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, देवगुप्त, देवराज और देवक्षी, देवक्षी भी बोला गया है देवगुप्त को, देवराज भी बोला गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है यहाँ पे। और इसी तरह से जो समुद्रगुप्त है इनको बोला गया है कविराज, कविराज, कविराज इनको किस में बोला है, इनकी प्रयाग प्रशस्ति में बोला है, उसके आगे हम अभी आगे चर्चा करेंगे, कविराज बोला गया है। और जो कुमारगुप्त है इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो क्या होता है, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और कुमारगुप्त के सिक्कों पे हमको अश्वमेध यज्ञ के एग्जाम्पल मिलते हैं, मतलब हमको ये पता चलता है कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ कुमारगुप्त ने किया था हमको पता चलता है उसके सिक्कों से, उसके सिक्कों से हमको पता चलता है कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी तरह से समुद्रगुप्त के भी सिक्कों से हमें पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका उल्लेख हमको उसकी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीटी 2019, विच इज द लार्जेस्ट होल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष हमें कहाँ मिला है या कौन सा है, बस्ती, कोटावा, बयाना या हाजीपुर। तो ये जो सिक्कों का हमको होल्ड मिला है सबसे बड़ा, ये मिला है बयाना में, और ये बयाना है कहाँ पे, ये बयाना पड़ता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है, और इसको 1821 में, 1821 में खोजा गया था, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक भारी सा ढेर मिला है जहाँ पे हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उस जो आपको कोष मिला है उस कोष में किन किन गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे उसकी लिस्ट आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीटी 2019 में फिर से, द वर्ड दिनार यूज्ड फॉर गुप्तास गोल्ड कॉइन इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत, चीनी, लैटिन या यूनानी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जस्ट एक आपको याद करना है, लैटिन है, लैटिन लैंग्वेज से लिया था दिनार। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा था, जीडीसी असिस्टेंट ऑफिसर 2017 में पूछा गया है, और इसी तरह का क्वेश्चन हमको नेट में भी एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ भुक्ति ड्यूरिंग गुप्तास वॉज नोन एज, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक क्या कहलाता था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भुक्ति है क्या, ये भुक्ति है प्रांत यानी कि प्रोविंस, जो पूरा साम्राज्य है वो प्रोविंस में बटा था, प्रांतों में बटा था, जैसे आज के अगर हम बात करें तो इंडिया को हमने स्टेट्स में बांटा हुआ है, तो ये स्टेट्स की बात कर रहा है, स्टेट्स, प्रोविंस, इसको भुक्ति बोला जाता था। तो इसका जो प्रशासक हुआ करता था उसको हम बोलते थे उपरिक। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं, दो फैक्ट हैं, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है बट अगर होता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता उसमें, अगर इसमें एक और वर्ड होता गोप्ता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि जो गोप्ता था ये भी प्रशासक था, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर था प्रोविंसेस का, बट ये वो प्रोविंसेस जो बाउंड्री पे हैं, जो पूरे एम्पायर के बाउंड्री प्रोविंसेस हैं,
उनका जो प्रशासक होता था उसको गुप्ता बोलते थे, और जो आंतरिक प्रदेश थे, जो इंटरनल स्टेट थे, जो मतलब सेंट्रल स्टेट थे आपके एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के सेंट्रल स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो प्रशासक था, उसको उपरिक बोलते थे। और ये जो भुक्ति शब्द है, हमको ये भुक्ति शब्द हमको सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख हमको सर्वप्रथम मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, अगर आप गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हैं तो प्रयाग प्रशस्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक आपको पता होना चाहिए, हरी सेन है, और ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है टीजीटी एग्जाम में, टीजीटी में काफी बार पूछा गया हरी सेन है। लेकिन हरी सेन इसके केवल कंपोजर है, अगर आपको पूछता है प्रयाग प्रशस्ति तो हरी सेन क्या है, केवल कंपोजर है, बट उसको उत्कीर्ण किसने किया है, उसको लिखा किसने है, तो नाम आता है तिलक भट्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, तिलक भट्ट ने उसको उत्कीर्ण किया है, कंपोजर हरी सेन है। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में बताती है, समुद्र गुप्त के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीटी 2016, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो फॉर द गुप्ता कॉइनेज एंड चूज द राइट ऑप्शन इन द कोड। दे वर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, रूलर्स डेट इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट इन नंबर्स। गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर दीजिए। वे स्वर्ण और रजत से बने थे, उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं। तो अगर बात करें गुप्तास क्वाइनेज की, तो वो गोल्ड सिल्वर और कॉपर तीनों में मिलते हैं हमको, हालांकि इसमें कॉपर नहीं दिया है, लेकिन गोल्ड सिल्वर और कॉपर तीनों मिलते हैं, तो ये पहला वाला तो सेंटेंस सही है। और शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं, बट ओनली किस पे हैं, सिल्वर कॉइन्स पे, यानी कि जो रजत मुद्राएं हैं उस पे हमको शासकों की तिथियां का अंकन हमको मिलता है, जबकि जो गोल्ड कॉइन्स हैं उसके ऊपर हमको शासकों की तिथियों का कोई अंकन नहीं मिलता। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक सही। दूसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये स्वर्ण और रजत दोनों की बात कर रहा है, तो ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वरना मेरे ये जो दोनों सेंटेंस है दोनों सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ रूलर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, और गुप्त शासकों के साथ इसमें एक चोल शासक दिया है। ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को, यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा था। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और परांतक। तो सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है कि इसमें तीन गुप्त शासक हैं और एक परांतक दिया हुआ है, तो परांतक का तो सबसे सिंपल आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर मेरु अभिलेख जो है ये परांतक का ही हो सकता है, यानी कि डी के नीचे तो हम वन लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो ऑप्शन सी हैं और ऑप्शन डी हैं वो तो आउट हो जाते हैं। अब बच गया ऑप्शन ए और बी, तो इसी में से हमको आंसर देखना है कौन सा होगा। इसी तरह कुमारगुप्त प्रथम का हो जाएगा बिलसद अभिलेख, कुमारगुप्त द्वितीय का सारनाथ और बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर ए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, उत्तर मेरुर अभिलेख आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताता है, यानी कि स्थानीय जो प्रशासन है उसके विषय में जानकारी देता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्थानीय प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है, कौन सा इंस्क्रिप्शन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है, उत्तर मेरु। ये जो बिलसद अभिलेख है ये कुमारगुप्त प्रथम का है, और ये हमको मिलता है कहाँ से, ये मिलता है हमको एटा जिले से, उत्तर प्रदेश, यूपी के एटा जिले से मिलता है। और कुमारगुप्त प्रथम का ये पहला अभिलेख है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमको उसकी डेट का पता चलता है कि 415 AD से उसका जो शासन है वो शुरू हुआ होगा, और हमको इसमें गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है टिल कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम तक हमको उनकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी मिलती है गुप्त शासकों की। और ये एक पहला अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त प्रथम तक हमको पूरे गुप्त शासकों की क्रोनोलॉजी मिलती है। कुमारगुप्त द्वितीय जो है ये बहुत ही परवर्ती गुप्त शासक है, और बुद्ध गुप्त के समय में जो एरण अभिलेख है ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, मतलब फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इज गिवन इन विच इंस्क्रिप्शन, इट इज इन एरण अभिलेख बुद्ध गुप्त का। और इसके दोस्त भानुगुप्त की जो पत्नी है वो सती हो जाती है जब हूणों का आक्रमण होता है और बुद्धगुप्त जो है उनसे लड़ता है, और भानुगुप्त जो उसका मित्र है वो लड़ाई करता है और उसमें वीरगति को प्राप्त होता है, और उसकी जो पत्नी है वो सती को सती अपना लेती है, और इसका अभिलेख हमको एरण में मिलता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिलसद और एरण अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर मेरु, इससे प्रश्न इस तरह से बनते हैं। गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं, वाई गुप्ता पीरियड इज डिनोटेड एज क्लासिकल एज। वाणिज्य और व्यापार में प्रगति की वजह से, क्या कला और साहित्य में प्रगति की वजह से, क्या तकनीकी प्रगति के कारण, या सार्वभौम सत्ता यानी कि ड्यू टू सॉवरेन पावर, क्यों उसको हम एक क्लासिक। तो गुप्त काल को क्लासिकल एज बोला गया है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस इन आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य में प्रगति की वजह से इसको क्लासिकल युग बोला गया है।
और इसको स्वर्ण युग भी बोला गया, जैसे आपको पता होगा इसको गोल्डन एज बोला जाता है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज। हालांकि इसके ऊपर डिबेट है, सबसे पहले इसको के एम मुंशी सर ने इसको गोल्डन एज बोला था, स्वर्ण युग बोला था, जिसको आगे के बहुत सारे इतिहासकार जिसको नकारते हैं, बोलते नहीं ये गोल्डन एज नहीं है, हालांकि वो डिबेट का विषय है। लेकिन इसको क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत जो है राजभाषा के पद पर इस समय हमको देखने को मिलती है, और बहुत सारे साहित्यिक जो रचनाएं हैं जैसे कालिदास, आपको कालिदास की रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, मेघदूत, बहुत सारी और भी रचनाएं हैं कालिदास की, वो इसमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हमको बहुत सारे जो गणितज्ञ हैं जैसे वराहमिहिर हैं या आर्यभट्ट हैं, और ज्योतिषी रचनाएं, ये सब हमको बहुत इस समय बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है, इसलिए इसको कला और साहित्य की प्रगति की वजह से क्लासिकल युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2014, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नॉट अंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट रूल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? प्रयाग, साकेत, वैशाली, मगध। तो आंसर दोस्तों इसका है वैशाली। वैशाली जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम के क्षेत्र में नहीं आता है, बाद में जाके वैशाली चंद्रगुप्त के रूल के अंडर आता है, जब वो विवाह व्याह कर लेता है उसके बाद वैशाली इसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी असिस्टेंट ऑफ द 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति। निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, दिग्विजय का उद्देश्य धरणी बंध था, आर्यवर्त की विजय का उल्लेख है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय में देवराष्ट्र का उल्लेख है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। हरिसेन ने इसको इसको रचा था, कंपोज किया था, तिलक भट्ट ने उसको उत्कीर्ण किया है, इंस्क्राइब किया है ऑन अ पिलर, और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पिलर है कि अगर आपको मैं बताऊं तो ये वही पिलर है जिसके ऊपर आपको अशोक का भी एक लघु स्तंभ लेख मिलता है, जिसको हम कौशाम्बी लेख बोलते हैं या जिसको हम रानी का भी लेख भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसकी रानी का भी हमको उल्लेख मिलता है, अभिलेख मिलता है, और उसका एकमात्र पुत्र तीवर का नाम हमको अभिलेख में मिलता है। और आगे चल के इसी स्तंभ के ऊपर कुछ अलग नहीं है, इसी स्तंभ के ऊपर जहांगीर का भी एक लेख है, बीरबल का एक लेख है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अकबर के काल में कौशाम्बी से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था, इस अभिलेख जिस पिलर के ऊपर ये, जिस स्तंभ के ऊपर ये अभिलेख है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। और इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें बहुत सारी लाइंस हैं, हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किस पंक्ति में दक्षिणापथ विजय का उल्लेख है, और दक्षिणापथ की जो विजय थी उसमें उसने कौन सी नीति अपनाई, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, जिसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर लिया है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति थी, आगे चल के इसी नीति को अलाउद्दीन खिलजी अपनाता है सल्तनत काल में, जिसकी वजह से जो लेन पुल है वो उसको भारत का समुद्रगुप्त बोलता है, और समुद्रगुप्त इसलिए बोलता, सॉरी, सल्तनत का समुद्रगुप्त बोलता है क्योंकि उसने भी वही नीति अपनाई थी जो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, यानी कि दक्षिण के राज्यों को जीता लेकिन उनका विलय नहीं किया, उनको एनेक्स नहीं किया इन हिज ओन एम्पायर, बट उनको केवल बोला कि आप एनुअल ट्रिब्यूट देते रहो और अपना राज्य अपने हिसाब से चलाते रहो। तो ये थोड़ी सी मैं टॉपिक से, क्योंकि अब ये प्राग प्रशस्ति की बात है इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उसको नामांकित नहीं किया, ये गलत बात है, चंद्रगुप्त प्रथम ने उसको नामांकित किया था अपना उत्तराधिकारी, ये इस प्रयाग प्रशस्ति में हमको देखने को मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। तो अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने जरूर किया था, वीणा वादक था, लेकिन इसका हमें पता चलता है उसके सिक्कों से, ना कि इस प्रयाग प्रशस्ति से। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में आपको जो साउथ के जो राष्ट्र हैं, जैसे इसमें तो केवल आपको देवराष्ट्र का एक नाम दिया हुआ है, देवराष्ट्र है, इसके अलावा बहुत सारे और हैं, कुस्थलपुर है, कांची है, वेंगी है, इन सबके शासकों के नाम भी याद होने चाहिए। तो इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज चुका हूँ, आप वहां से उस लिस्ट को ले लीजिए, उस लिस्ट का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है धनंजय कहाँ का शासक था, समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों के बारे में नाम नाम वगैरह पूछे जाते हैं, कुस्थलपुर में कौन था, कौशल में कौन था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र, अब देखिए आई गया, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? हु वॉज समुद्रगुप्ता कंटेम्प्रेरी किंग इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में उसका जो समकालीन राजा था वो था मेघवर्ण, मेघवर्ण उस समय श्रीलंका में शासन कर रहा होता है जिस समय समुद्रगुप्त जो है भारत में, उत्तर भारत में आसीन होता है। और हमको एक साक्ष्य ये मिलता है कि मेघवर्ण ने एक दूत मंडल भेजा था, एक एम्बेसडर, एक पूरा शिष्टमंडल भेजा था समुद्रगुप्त की कोर्ट में, और एक विहार बनाने का उससे आज्ञा प्राप्त किया था। तो वहां पे जो विहार है ये बोधि ट्री के उत्तर में, बोधि ट्री जो है उसके उत्तर में विहार बनाता है मेघवर्ण, और इसकी आज्ञा समुद्रगुप्त देता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
मिलते हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।